हेलो एवरीवन जी गाइस, तो आज की स्टोरी काफ़ी सैड स्टोरी है। इटली का एक शहर था पोम्पे के नाम से, जो एक आतिश फिशा की वजह से तबाह बर्बाद हो गया था। पूरा शहर जो है वो धूल और मट्टी की अंदर जो है धस गया था। तो आइए आज बात करेंगे हम उस शहर के बारे में, एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों इस शहर के ऊपर ये आफत आई और इतने सालों के बाद किस तरह लोगों ने इसको सर्च करके ढूंढ के दोबारा इस शहर को निकाला और उसमें जितनी भी चीज़ें थी वो सारी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तो आइए आज जानते हैं इस स्टोरी को और फिर देखते हैं इस शहर के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी गाइस, तो रोम से जो इसका डिस्टेंस है, रोम टू पोम्पे जो है वो सिटी का नाम है, 245 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से जा रहे हैं, आप मैप पे देख सकते हैं, क्योंकि रोम एक इनका जो कैपिटल है, ज़्यादातर लोग जो हैं रोम में लैंड करते हैं, इसलिए मैं आपको रोम से उसकी लोकेशन बताता हूँ, ईजिली आप उसको समझ सकें। तो चले ठीक है जी, अब होटल बुकिंग की अगर बात करें तो अगर आप पहले से उसको बुक करते हैं होटल को कुछ दिन पहले, तो आपको रिजनेबल मिल जाते हैं, अदरवाइज 90 यूरो 80 यूरो पर नाइट जो है वहां आपको होटल अवेलेबल होता है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं इस शहर को और इसके बारे में फिर आज बात करते हैं। जी गाइस, तो टिकट्स के प्राइस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप की टिकट्स हैं, जो भी आपको सूट करती है आप वो टिकट बुक कर सकते हैं। ये जी हम लोग पहुंच गए हैं, इसकी जो एंट्रेंस है वो कुछ इस तरह है। आप जब इंटर होते हैं, टिकट्स का जो कंट्रोल होता है उनका, उसके बाद जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक सामने एक इस तरह का डोर सा नजर आएगा, तो यहां से आप इंटर हो सकते हैं। जी गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं जी इनका जो बिल्कुल एक शहर का जो सेंटर था, काफ़ी बड़ी सी जगह होगी ये उस वक्त, जैसे एक एक जहां लोग रह रहे होते हैं, तो इन्होंने एक जगह काफ़ी बड़ी खुली जगह ऐसे छोड़ी थी जहां पे आप अपने फंक्शंस वगैरह होते थे, जो इनके उस वक्त मार्केट्स वगैरह लगती थी, किसी ने अपनी चीज़ें बेचनी होती थी, ख़रीदनी होती थी, तो इस तरह की एक मार्केट थी इस जगह पे लगती थी उस वक्त। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको एक बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा होगा, ये वही पहाड़ है जहां से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। एक आतिश फिशा जो फटा था और वो पूरा, जैसे बॉम्ब्स गिरते हैं ना, मिसाइल गिरते हैं, इस तरह वो पहाड़ के ऊपर से पूरे शहर को, जितना भी आसपास के भी शहर थे उन सब के ऊपर वो बॉम्ब्स की तरह गिरा था। और उसके बाद जो है वो, क्योंकि ये समंदर के बिल्कुल साथ था, एक तूफान आया था पानी का पहले, उसके बाद इसने वो उसकी धूल मट्टी और जितनी भी
डस्ट से पूरा जो शहर है ना, ये बिल्कुल ना दब चुका था, जमीन के नीचे भस्म हो गया था। फिर हुआ ये था कि 1748 में कुछ लोगों ने इसको निकाला, इसको इसके बारे में सर्च की, तो इन्होंने ये शहर को दोबारा एक दफा ढूंढा और फिर इन्होंने इस शहर को दोबारा देखा कि ये इसके नीचे कोई शहर है। ये देखें जैसे ये घरों के नंबर्स थे, जैसे होता नहीं है मकान नंबर लिखे हुए होते हैं, तो इस तरह ये इनके घर थे, इसके ऊपर लिखे हुए थे। ये स्ट्रीट का नाम था जो उस वक्त इस जगह का, इस गली का जो नाम होगा वो इन्होंने, अभी भी इनको ये इसी तरह मिला है। और यहाँ आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, आप बिल्कुल किसी चीज़ के साथ आप टेक तक नहीं लगा सकते। ये देखें जी, ये पूरा एक घर था, वहाँ से आप देखें तो इसकी एंट्रेंस है, शॉप्स थी इनकी, और ये इनकी मेन जो एंट्रेंस होगी घर की, यहाँ पे देखें ये एक छोटा सा वो गार्डन टाइप का एरिया है, उस तरफ देखें एक छोटा सा एरिया है, यहाँ कह सकते हैं आप हो सकता है किचन हो या कोई सिटिंग एरिया हो। ये देखें ये एक छोटा सा एरिया है, स्टोरेज वगैरह कह सकते हैं आप। यहाँ से एक इनका ये लॉन्च होगा आई थिंक उस वक्त, और यहाँ से ये पूरा घर जो है आप देख सकते हैं, ये बेडरूम होगा आई थिंक, काफ़ी बड़े साइज का। और यहाँ से जाके ये देखें, ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, छत का रास्ता होगा, और यहाँ पे एक दूसरा बेडरूम है काफ़ी बड़ा, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये एक होगा इनका फोर्नो या कोई आग वाग जलाने के लिए। तो अब यहाँ पे सिर्फ इस तरह के रह गए हैं, जो 2000 साल पहले जो ये टाउन था पूरी तरह से तबाह हो चुका था, आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह है। सामने से एंट्रेंस है। यहाँ पे देखें ये इनकी जैसे वाइन शॉप्स होती हैं ना, उस तरह की थी। इनके नीचे ये लोग वो मटके से रखते थे, वाइन जो है वो बेचा करते थे। ये जी इनका उस वक्त, आपको हम लोगों ने भी वहाँ जितने भी घर देखे हैं, एक घर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसमें वॉशरूम नहीं था, उसमें ड्राइंग रूम और बेडरूम्स और इंट्रेंस और इनकी जो शॉप्स होती थी बाहर की साइड, वो सब कुछ था, लेकिन वॉशरूम नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि वॉशरूम इनके किसी भी घर में नहीं थे। ये वॉशरूम, ये जैसे एक बड़ा सा एक हॉल था वो लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, वो इस जगह को यूज़ किया करते थे, जैसे अगर किसी को शावर लेना है तो वो यहाँ आता था। और यहाँ देखें ये एक, वो कहते हैं जी इनके कबर्ड्स जैसे होते थे ना, वो सामान वामान रखने के लिए, इसके वो आगे दरवाजे से छोटे छोटे लगे हुए थे, यहाँ वो सामान अपना रख के
और आराम से जो है वो जाके जो शावर लेते थे या वॉशरूम किसी ने यूज़ करना होता था तो वो घरों पे नहीं था। ये बाहर इन्होंने एक जगह जो है वो मखसूस की हुई थी वॉशरूम्स के लिए, एक बड़ा सा टाइप का वॉशरूम या लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग था। अच्छा, फिर इस उस वक्त का ये इतना मॉडर्न शहर था, और यहाँ देखें वो सामने जो आपको हॉल से नजर आ रहे हैं ना दीवार के ऊपर, एक्चुअली वहां से जो है वो पानी का इनका सारा जो सिस्टम था ना वो था, तो वहां से वो पानी आता था। इन्होंने सारा जो है वो उसका सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था उस वक्त 2,500 साल पहले। ये शहर जो है वो बहुत ही मॉडर्न शहर था और बहुत सारे इसमें लोग, करीब जितने भी आसपास के लोग थे वो इस शहर को देखने आते थे कि यार इतना मॉडर्न और इतना जबरदस्त ये सिटी था उस वक्त, जो तबाह हो गया अपनी कुछ गलतियों से, जो इन्होंने चीजें स्टार्ट कर दी, जो इन्होंने काम स्टार्ट कर दिए, तो खुदा ने इन पे एक अजाब डाला फिर इस आतिश फिशा की शक्ल में। बहुत ज्यादा बुराइयों में ये शहर चला गया था। जी गाइस, तो ये एक घर का मैं आपको विजिट देता हूँ जहाँ पे एक किसान की पूरी फैमिली रहा करती थी। तो वो लोग भी इसी आतिश फिशां जब फटा था तो उसकी जितने भी लोग थे वो जब एकदम से पूरा वो गिरा था ना, वो आग और वो सारी चीज़ें, ये देखें ये बॉडीज़ हैं लोगों की जो इनको जब इन्होंने उसको खोदा पूरे शहर को, तो उसके नीचे जो मलबा था उसमें इनको लोगों की बॉडीज मिली। उस वक्त कहते हैं कि कोई 2,000 के करीब लोग जो थे उस शहर में थे। वैसे तो इनकी आबादी कोई 20,000 की थी, लेकिन उस वक्त कोई 2 से 3 हजार लोग एट द मोमेंट उस शहर में मौजूद थे जब ये आफत आई। तो ये जहाँ जहाँ भी जो लोग सो रहे थे, ये बच्चों की भी बॉडीज़ हैं और बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब इन्होंने म्यूज़ियम में रखी हैं। तो ये एक फैमिली का घर था, एक किसान था, वो पीछे इनकी ज़मीनें थी जहाँ पे वो काम वाम किया करते थे और यहीं पे वो रहते थे। तो उस फैमिली को इन्होंने यहीं से बॉडीज़ इनकी मिली थी तो इन्होंने यहीं पे उनको सेव कर दिया। बाकी जितने भी लोग थे, जितनी भी बॉडीज़ थी, उनको उन्होंने म्यूज़ियम में रख दिया है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अभी भी जो है वो खुदाई चल रही है। नीचे वो देखेंगे आप तो इनके नीचे वो वाइन जिसमें रखते थे ना उस तरह की चीज़ें, और ये नीचे अभी भी बहुत सारा पूरा शहर है नीचे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसको खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं जो जो चीज़ उनको लगता है कि यार अभी भी ये दीवारें देखें, ये दीवारें धसी हुई थी जो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको निकाला है। ये देखें, ये यहाँ पर अभी पूरा काम चल रहा है, इसके नीचे ये शहर है, और अब जिस ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये आसपास का जितना भी एरिया है इसके नीचे भी वो शहर अभी दबा हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं इसको पूरे को निकालने की। ये देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा है जो डस्ट से पूरा कवर हो चुका था, और ये इसके नीचे भी जहां मैं चल रहा हूं इसके नीचे भी कोई ना कोई घर होगा ऐसा जिसको वो कुछ अरसे में ढूंढेंगे। कहते हैं कि बहुत बड़ा ये शहर था जो तबाह हुआ है। ये सामने देखें आप, ये वो पहाड़ है जहां से वो लावा जो है वो बॉम्ब्स की तरह गिरा था पूरे शहर पे, और इसके आसपास के जितने भी शहर थे पूरी तरह वो बिल्कुल ही तबाह हो चुके थे। जी गाइस, तो ये सामने जो पहाड़ है ये वही पहाड़ है जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। जब लावा जो आतिशफिशां, जब लावा जो फटता है ना, तो वो एक ऐसी डस्ट सी होती है जो पता नहीं कितने टनों के हिसाब से यूं आसमान की तरफ जाती है और फिर वो एकदम से जमीन के ऊपर गिरती है।
और इतनी ज्यादा वो डस्ट थी जिसने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया, और इतनी मट्टी और जो बड़े बड़े पहाड़ के जो वो थे पत्थर थे वो गिरे इस तरह के, उसने पूरे शहर को एकदम से एक खाली जैसे प्लॉट होता है ना उस तरह कर दिया था। और काफी टाइम तो लोगों को पता ही नहीं था इस शहर के बारे में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनको पता चला तो इन्होंने इसको सर्च करना स्टार्ट किया। तो अब ये आपके सामने इन्होंने काफी सारा सर्च कर लिया है और बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ढूंढ रहे हैं। चलें जी, हम मुझे इजाजत दीजिए। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो इसको शेयर कीजिएगा। टेक केयर गाइस, सी यू।